लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंजन चलाने से पहले ही इंजन की रिपेयरिंग करवा ली थी। माशाल्लाह जी दोस्तों, इस वाले एरिए को हमने घास को हाथ लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू एनर्जी वीडियो। आज का व्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर लें, इधर गंदम को हवा लग गई है और गंदम फुल्ली फुल खुश्क हो चुकी है और हवा जो चली है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। सरसों का जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया। सरसों मैंने काफ़ी हद तक काट भी लिया है, वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ी जूम आउट करके बता दिखाता हूँ। इधर भी था काफ़ी सारा, मैंने काट लिया है। और ये इसको बोलते हैं अन सीज़न बेमौसम सरसों। ये कुछ कुछ हैं पौधे इसमें ठहरे हुए हैं, ये मैं बाद में काट लूँगा। और माशाल्लाह हवा चली हुई है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दोस्त कैसे हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दफ़ा कह चुके मैं कहूँगा और कहूँगा और कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़के को बुलाया था मैंने यार, उसको कॉल भी किया कि आ जा इधर, थोड़ा सा काम था उसके साथ, तो उसको बुला रहा हूँ, देखते आता है या नहीं आता। और घास को पानी लगने वाला है और जो हमारा जो इंजन है वो ख़राब हो चुका है और उस पर भी कल खर्चा होगा अच्छा भला। तो उस दिन व्लॉग में देखा था आपने कि इंजन ने हमें काफ़ी तंग किया था, बार बार उसको चलाना पड़ता था, उसके रिंग पिस्टन होती हैं जो भी होता है अदरवाइज सेटअप होता है वो ख़राब हो गया, और इंशाल्लाह उसको भी कल सेट करवाएंगे। तो दोस्तों मेरा कज़न आ रहा है काश रज़ा, ये गदम जो है उसकी है, तो उससे पूछेंगे कि ये आप करवाएँ या ना करवाएँ। और इस तरफ मौसम चेक करें कितना ही प्यारा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आ रहा है और मैं भी बहुत ही खूबसूरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कार मिला हुई है लड़के को, कार नहीं मिला रहा। आकाश भाई से पूछते हैं कि अच्छा ये बता भाई कि दूर से मिला रहा हूँ, ये गंदम को हाथ कब लगवाना है? थोड़ा ऊंचा बोल आवाज़, थोड़ी दूर गुन घाटम से बता दे गंदम को हाथ कब लगवाना है। ये चेक करना है, इसमें अभी कुछ कुछ ग्रीन है, इस वाली साइड पे है वो भी फुल ओके है, ये भी ओके है, लेकिन कुछ कुछ है इसमें ना ग्रीन। चार पांच दिन आप ज़्यादा कह रहे हो, मेरे अंदाजे से दो दिन लगेंगे इसको। हाँ वो वाली या वो दूसरी वाली? अच्छा वो परली वाली, ठीक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से मेरा इस दफ़ा इरादा मर रहा है कि यार रैपर से कटाई करवा लें। सारी गिरी हुई है ना, यही सीन है ना, मशीन से काटी नहीं जाएगी दोस्तों। ये वाली गंदम ये काफ़ी गिर चुकी है, वो वाली भी गिरी हुई है और वो वाली कुछ ना कुछ हाथ ठीक है, क्योंकि ये हाथ से काश की गई है ऐसे छटा दे गए, वो जो है मशीन से काश की गई है। वो सामने वाली गंदम जो है ना वो लाइन में ही है। हाँ हाँ ड्रिल कास्ट की हुई। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग हो गया दोस्तों, सुबह बखैर दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो चुका है, तो इंजन रिपेयर करने वाले को बुला लिया है, वो वहीं पहुंच गया है। बस यहाँ से थोड़ा सा घास काटना था, तो घास कटवा के ये घर रख के फिर हम चलते हैं उसकी तरफ। सूर्य ठहरा है, वो नीचे लड़का घास काट रहा है। और ये आप खेत चेक कर सकते हैं कितने खुश्क हो चुके हैं, ये चेक करें, ये घास सूखने लग गया है। 12 seconds later दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कज़न की कॉल आई है कि इंजन जो है वो कुछ मुकम्मल हो गया है, तो आपके आने तक वो बकाया इंजन भी मुकम्मल हो जाएगा, कारीगर सेट कर रहा है। तो ये मेरे पास है डब्बा डीजल के लिए, और अभी चल के ना डीजल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और ओके ठीक है दोस्तों, डीजल ले लिया है अपनी बाइक, बिल्लो रानी में भी पेट्रोल डलवाया है और दूसरा घास काटने में पेट्रोल लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर इंजन की तरफ, तो चल के आपको माहौल दिखाते हैं। आज हवा माशाल्लाह चली हुई है और मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो रहा है। नमाज़े ज़ुहर की अजानें हो रही है, कीड़ा बस।
लगा लो सजी। ठीक हो? दोस्तों इसका कंडा निकाल देना है इंजन का, ये पंप लेके जा रहा हूँ फिर सेट करवाने, डीजल नहीं उठा रहा, बस कुछ निकलता था मुंह से, अगेन सेट करवाने के लिए जा रहा हूँ, एक दफा सेट करवा लिया है अभी फिर जा रहा हूँ हॉन्डे में सेट का पंप का। इतना आजाद अल्लाह करे पहली कित चल पवे। चेक करें जी कितना प्यारा व्यू आ रहा है। चलाई बस को सारे जा रहा हूँ, घर चले गए हैं रोटी खाने के लिए, तो ना कहीं है ना कुछ है, बन शन बनाने हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर वो ना आए तो उनके बेटे को बुला के आएंगे, इंजन चल गया है। बस चलाई बस के घर के सामने पहुँच गए हैं, ये इधर लगा हुआ है शतूत और कितने ही प्यारे प्यारे मशाल लगे हुए हैं, तो मैं इधर थोड़ी सी छाँव पे रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, बस अभी चल के उनको बुलाती हैं। वीडियो पूरी दुनिया देख दी है। हां मैं थीरा मावे रेस देगी नहीं नट्टी ढिल्ला की थी। हां नट ढिल्ला रहा आड़ थगी है। बिस्मिल्लाह पानी तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इंजन चल गया है और ये बकाया सामान सामान नहीं सामान जो था ये डीजल था, इसमें
और ये कोई है पता नहीं क्या सामान है ये कोई, और पिस्टन वगैरह रिंग वगैरह भी न्यू डाल गए हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। सर तो हर नशरी थी ये दोस्तों, मैं सामान लेके जा रहा था इधर से, तो ये जो खाला था तकरीबन 15 फुट के करीब इधर से ट्रालियाँ क्रॉस हुई हैं, तो ये सामने मस्जिद है, तो ये घर बन रहा है कोई, तो लगता है मस्जिद का अटैच या मस्जिद का मदरसा भी बन रहा है। तो ये खाला उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने अंदर ट्रालियाँ गुजारी हैं, यहाँ से रेत वगैरह मिट्टी वगैरह गुजरी है, तो हमारी सांस फूल गई है खाला खट खट के। ओए ओए लड़का लगा हुआ है एक, बस पानी भी पहुँच गया, वो सामने आ गया। कटाई अभी हो रही है, बस लगभग हो ही गई है, इधर से पानी भी आ गया है, चेक करें उधर से लेके वो उधर तक बनाया हमने। A few inches later, दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गया हूँ खेतों में, इधर खेतों को पानी लगाया जा रहा है, सदीक अहमद पानी लगा रहा है अभी इस वाले एरिया को जो है ना पानी लगाया जा रहा है, मतलब कि ना 90% जो है पानी लग चुका है। ये चेक करें खाला कितना ही फुल हो चुका है, ट्यूबवेल बना इंजन बनाना है, इंजन की स्पीड भी मैंने स्लो की है क्योंकि ये खाला कुछ इसकी मुरम्मत नहीं हुई इस दफ़ा, पिछली दफ़ा इसकी मुरम्मत हुई थी सफाई वगैरह, इस दफ़ा नहीं हुई, देखते हैं कितना कचरा वगैरह आया हुआ है। तो अभी इसके बाद लूसिन को लगाएंगे, गंदम को नहीं लगाना, आपको पता है गंदम फूल तैयार है, तो अभी मैं चचेलाई बख्श को छोड़ रहा हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ उनके घर। तो इंजन ने हमें काफ़ी तंग किया है पिछले लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंजन चलाने से पहले ही इंजन की रिपेयरिंग करवा ली थी, जो भी मतलब 5-6-8-10 हज़ार का ख़र्चा आ गया है, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं, आगे जो दिन हैं वो आसान निकलेंगे। तो आपका भाई व्लॉग को एंड कर रहा है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और दुआ मुझे याद रखें, दुआ मुझे याद रखें, अल्लाह हाफिज़।